केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोनों में ही रहेंगे चीते, चीतों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एक्सपर्ट से बात की जा रही है, चीतों की अच्छी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बताते चले कि लगातार जब से चीते लाए गए हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के कोनों नेशनल पार्क, उन्हें शिफ्ट किया गया है, रखा गया है, क्योंकि यही एक जगह ऐसी सबसे सुरक्षित मानी गई चीतों के लिए। लेकिन जब से यहां पर उन्हें विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, तब से एक एक कर चीतों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। और अभी हाल में चीता तेजस की मौत हुई और किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से यहां पर चीता तेजस की मौत की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लग गए कि चीते कोनो नेशनल पार्क में सुरक्षित नहीं है, उनके लिए वहां का वातावरण सही नहीं है और इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए, जिस पर साफ तौर पर दो चूक केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि कोनो में ही रहेंगे चीते। व्यवस्था और प्रशिक्षण को देख रही है, हमने जो चीतों के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारी समीक्षा और बातचीत जारी है। चीतों का पूरी तरीके से अच्छी देखभाल के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी हमारी एक टीम भी वहां पर जाएगी, पहले भी रिव्यू करा था और हम ये मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट बना था उसमें जो जो संभावनाएं जताई हैं, उन संभावनाओं को हम देख रहे हैं। ये पूरा एक वर्ष अभी उनके सेटल होने का है, मैं आशा करता हूं कि प्रोजेक्ट ठीक ढंग से चलेगा, इसे कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, कोनों में ही हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता का जो सहयोग, स्थानीय समाज के लोगों का जो सहयोग, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट अधिकारियों का जो परिश्रम है, वो निश्चित रूप से रंग लाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर पूरी तरह आशान्वित।